नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। सैमसंग ने आज अपना बिल्कुल नया प्रोसेसर मार्केट में लॉन्च कर दिया जिसका नाम है एक्सिनोस 990। एक कुछ दिन पहले जो लॉन्च हुआ है एक्सिनोस 980 उसका ही अपग्रेडेड वर्जन है। वैसे ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सिनोस 990 क्यों बहुत ही ताकतवर एक प्रोसेसर है और ये एक्सिनोस 980 से कितना पावरफुल है और क्या ये एप्पल A13 को भी टक्कर दे सकता है। ये सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं दूंगा। अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं बता दूं, एक्सिनोस 980 एक SoC था। SoC मतलब सिस्टम ऑन चिप, मतलब प्रोसेसर के अंदर ही 5G मॉडेम लगा हुआ था। लेकिन इस बार जो 990 लॉन्च किया है, इस बार जो मॉडेम वो CPU से अलग है। थियोरेटिकली अगर CPU से बाहर मॉडेम होता है तो उसका स्पीड बहुत ही लो होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार इसका स्पीड डबल से भी ज़्यादा है। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो एक्सिनोस 980 ए बना था 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर और एक्सिनोस 990 बना है 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर। अगर दोनों प्रोसेसर के कोर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक्सिनोस 980 बना था 2 कोर्टेक्स A77 कोर जिसका स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ और 6 कोर्टेक्स A55 कोर जिसका स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज़। लेकिन एक्सिनोस 990 का स्पीड के बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन इसमें 2 कस्टम CPU है, 2 कोर्टेक्स A76 चिप है और 4 कोर्टेक्स A55 चिप है। वैसे ऐसा आप देख सकते हैं कि 980 में नया जनरेशन A77, लेकिन इसमें थोड़ा सा पूरा जनरेशन A76 कोर्स को इस्तेमाल किया गया है। अगर हम बात करें कि प्रोसेसर GPU, इस मामले में एक्सिनोस 990 ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। एक्सिनोस 980 में ये जो GPU ये था माली G76 MP5। एक्सिनोस 990 में यूज किया गया है माली G77 MP11। मतलब परफॉर्मेंस में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है इसीलिए इसका मेन पार्ट तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। एक्सिनोस 980 का जो NPU मतलब न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक तरह का CPU जैसा ही होता है जो कि सारे AI रिलेटेड काम को करेगा, इसका NPU एक सिंगल कोर NPU है। लेकिन ये पर सेकेंड कितना काम करते हैं इसके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं। लेकिन एक्सिनोस 990 में ये जो NPU या एक डुअल कोर NPU है और सैमसंग ने ऐसा कहा है कि हर सेकेंड में 10 trillion AI काम कर सकता है। जितना मुझे याद है, मैंने जब Apple A13 versus Huawei 990 का जो वीडियो बना था उसमें मैंने कहा था Apple दुनिया का सबसे ताकतवर AI चिप है जो हर सेकेंड 5 से 6 लाख AI टास्क करता है। तो इस कारण मुझे लग रहा है कि अभी एक्सिनोस 990 दुनिया का सबसे पावरफुल AI चिप बन चुका है जो कि 10 ट्रिलियन काम करता है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का जो डिस्प्ले सपोर्ट वो क्या है। एक्सिनोस 980 में मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट करता है WQHD प्लस मतलब 3360x1440। लेकिन एक्सिनोस 990 में ये जो रेजोल्यूशन है और भी इंक्रीज किया गया है। इसमें सपोर्ट करता है नेटिवली WQXGA मतलब 3840x2400 और 4K Ultra HD भी सपोर्ट करते हैं जो कि 4096x2160। अगर इसके स्टोरेज सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सिनोस 980 सपोर्ट करता है UFS 2.1 और eMMC 5.1, लेकिन एक्सिनोस 990 सपोर्ट करता है UFS 3.0 और 2.1। अगर हम RAM सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सिनोस 980 सपोर्ट करता है LPDDR4X, लेकिन एक्सिनोस 990 सपोर्ट करता है LPDDR5। अगर हम सिंगल कैमरा सपोर्ट की बात करते हैं तो दोनों ही प्रोसेसर 108 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट करेगा, लेकिन डुअल कैमरा की अगर बात करें तो एक्सिनोस 980 सपोर्ट करता है 20+20, लेकिन एक्सिनोस 990 सपोर्ट करता है 24.8 और 24.8। अगर हम वीडियो एनकोड और डिकोड की बात करते हैं तो एक्सिनोस 980 सपोर्ट करता है 4K अल्ट्रा HD 120fps तक एनकोड और डिकोड। इस जगह पर एक्सिनोस 990 सपोर्ट करता है 8K वीडियो, ये सपोर्ट करता है 8K 30fps और 4K अल्ट्रा HD 120fps With 10-bit video output। और जो मेन चीज जो कि है मॉडेम, एक्सिनोस 990 में मॉडेम को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड किया गया है। एक्सिनोस 980 में ये जो डाउनलोड और अपलोड स्पीड था वो था डाउनलोड स्पीड था 3.5 Gbps और अपलोड स्पीड था 1.38 Gbps। लेकिन एक्सिनोस 990 में ये जो स्पीड बढ़ के हो चुका है 8.36 Gbps। मतलब सोच सकते हैं कि कुछ दिन बाद तो 10 Gbps तक ही पहुंच जाएगा। और एक्सिनोस 990 का एक और फीचर जो कि एक्सिनोस 980 में नहीं था वो है इसमें नेटिवली 120Hz डिस्प्ले सपोर्ट करेगा। तो अब देख सकते हैं कि सैमसंग के आज तक का बनाया हुआ सबसे पावरफुल प्रोसेसर है एक्सिनोस 990 और कहा जा रहा है कि ये वाला प्रोसेसर डेब्यू करेगा सैमसंग गैलेक्सी S11 में और
गैलेक्सी जो नोट सीरीज है उसमें भी आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला प्रोसेसर अभी दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोसेसर बन चुका है नेटवर्क कनेक्टिविटी एआई परफॉर्मेंस इन दोनों के मामले में। तो आज का वीडियो ही तक, उम्मीद है आज का वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।